हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पहली बार मेरी तरह एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच हुए हो और आप लोग कुछ प्रॉब्लम के सामना करना पड़ेगा जो कि एंड्रॉयड यूजर के लिए फ्लेक्सिबल है लेकिन आईफोन वाले नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग कोई भी वीडियो हो या फिर MP3 सॉन्ग हो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, एंड्रॉयड के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आईफोन में अगर बात करें, कोई गाना वगैरह आप लोग ऑनलाइन सुन सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो फिर जैसे कि आप लोगों को पता है आईट्यून स्टोर में आप लोग गाना देख सकते हो, सारे गाने का पैसे लगते हैं, कोई फ्री नहीं है, सब गाने का पैसे, तो तभी आप लोग सुन सकते हो। तो मतलब या फिर आप लोग यूट्यूब से सुनो, ये मतलब ऑनलाइन हो गया। तो आप लोग कैसे अपने आईफोन में डाउनलोड कर सकते हो जब आपका मतलब ऑफलाइन गाना भी सुन सकते हो जब आपका मूड करे, तो ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग ऐप स्टोर में जाना है, इधर लिखना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद ये वाला खोल लेना है, तो ये वाला आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोगों को सिंपली ओपन करना है, तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ जल्दी से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये ऐसा आएगा। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना है, देख सकते हो इधर ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है। तो इधर आपको जाने के बाद इधर ब्राउजर खुल जाएगा जो नॉर्मली ब्राउजर खुलता है। तो फिर आपको ऊपर लिखना है pagalworld.org, लिख लेना। तो मैं अभी आपको न्यू टैब में खोल के दिखा देता हूँ। तो आपको लिख लेना पागल वर्ल्ड, लिखोगे तो पूरा आ जाएगा। तो ये आप लोगों को डाउन मतलब ये पेज खोलने का, और आप लोग इधर सारे बॉलीवुड जो भी गाना आप लोग मतलब डाउनलोड करना चाहते हो वो सारा मिल जाएगा आप लोग को इजीली। अगर आप लोगों को नहीं मिलता मतलब कोई भी सॉन्ग या फिर ढूंढ नहीं पा रहे हो गाना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग जैसे यूट्यूब में ढूंढते हो, यूट्यूब में जाओ, जो भी सॉन्ग पसंद आता है उसको लो। उसको लेने के बाद आप लोगों को फिर से इस डॉक्यूमेंट में आना है। डॉक्यूमेंट में आने के बाद न्यू टैब में जाना है, इधर लिखना है YouTube to MP3। जय बस आपको ये लिखने के बाद पहला लिंक आएगा, खोल लेना। फिर आपको जो उधर जो आपने जो भी सॉन्ग यूट्यूब से कॉपी किया है उसका लिंक तो आपको इधर पेस्ट करना है। तो आप लोग पहले यूट्यूब में जाना, कोई भी सॉन्ग का लिंक कॉपी कर लेना जो आपको डाउनलोड करना है, इधर पेस्ट कर देना, सिंपली पेस्ट हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेना, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद मैं फोल्डर में दिखा देता हूँ, तो डाउनलोड में आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि मैंने 3 गाना डाउनलोड करके रखा है, तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो MP3, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर आप लोग इसको सुन के मिनिमाइज करके फ़ोन को फिर आप लोग सुन सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इजीली आप लोग आईफोन में MP3 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं वीडियो सॉन्ग कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों को कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड करनी हो तो कैसे कर सकते हो, तो जैसे कि मैं अभी ये वाला क्रिकेट मैच का दिखा लेता हूँ। शेयर में जाना है, शेयर में जाने के बाद कॉपी लिंक कर लेना है। फिर आपको फिर से और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है ब्लैक होल। बस ये डाउनलोड कर लेना, ये वीडियो के लिए। तो इधर से आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब का ही होगा। तो आप लोग इसको ओपन कर लेना, फिर जो लिंक कॉपी इधर आपको ये जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक दिखा जाएगा कि ब्लैक होल पेस्टेड लिंक। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया और वो ऑटोमेटिक जो आपने लिंक कॉपी किया उसको ऑटोमेटिक वो एनालाइज करके डाउनलोड कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको फोटोज ऐप में जाना है, तो आप लोग देख सकते हो। कोई भी वीडियो सॉन्ग हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम, कोई भी वीडियो सॉन्ग आप लोग बस लिंक कॉपी करो और ब्लैक होल में वो बटन को दबाओ, ऑटोमेटिक वो डाउनलोड कर देगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। और MP3 के लिए मैंने बताई दिया, यूट्यूब से लिंक कॉपी करो, उधर पेज को, या फिर pagalworld.org में जाओ, गाने का नाम लिखो, डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग ईजिली आईफोन में गाना डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी वीडियो सॉन्ग MP3। तो बस दोस्त आज के लिए इतने, आप में और एक चीज़ दिखा देता है, जैसे कि आप लोग मेरे म्यूजिक फोल्डर में देखोगे कितने सारे गाना है, तो ये गाना कहाँ से आया। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करूँगा तो इधर सेव होगा, वो म्यूजिक सॉन्ग लाइब्रेरी में नहीं आएगा। तो मैंने म्यूजिक सॉन्ग लाइब्रेरी में सॉन्ग मेरा आया कैसे, वो उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, कैसे आप लोग अपने फाइल वगैरह को PC से आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो
जब आप कोई भी सॉन्ग वगैरह पीसी से आईफोन में ट्रांसफर करोगे तब आपका सॉन्ग वगैरह सब इसमें म्यूजिक फोल्डर म्यूजिक ऐप में सेव हो जाएगा। तो मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख दो हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दो जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।